तो दोस्तों जैसे कि पता है आज 2 नवंबर से फ्लिपकार्ट की बिग डॉलर सेल स्टार्ट हो चुका है, पर यहाँ पे जो GT 10 Pro है उसकी प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा घटाया नहीं है। तो कुछ दिन पहले इसकी प्राइस 21,000 था, पर यहाँ पे 22,000 कर दिया, 1,000 ज़्यादा कर दिया है और सेल पे सिर्फ 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी जो प्राइस अभी डिस्काउंट लगने के बाद 21,000 है। तो मैं बताऊँगा इस प्राइस पॉइंट पर GT 10 Pro को बिल्कुल भी मत खरीदना। इससे छोड़ के इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छे अच्छे और भी डिवाइस है जिसको आप ले सकते हो। तो दोस्तों एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों बात करें कि 21,000 पे GT 10 Pro वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि एकदम ही वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब उतना भी अच्छा फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, गेमिंग एक्सपीरियंस में उतना अच्छा नहीं होगा प्राइस के हिसाब से। तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा अच्छे और भी डिवाइस है। तो सबसे पहला है IQ की तरफ से IQ Z7 Pro। यहाँ पे आपको Dimensity 7200 प्रोसेसर मिलता है जिसके एंथोस स्कोर 720 के आसपास है, मतलब GT 10 Pro जितना ही। पर यहाँ पे आपको कार्ब डिस्प्ले मिलता है और जो कैमरा क्वालिटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल के है। जो GT 10 Pro उससे 1000 times बेटर कैमरा क्वालिटी आपको इस डिवाइस पे मिलेगा, प्लस गेमिंग एक्सपीरियंस भी GT 10 Pro से काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि जो IQ डिवाइस है इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों बात करें IQ Z7 Pro की प्राइस, तो यहाँ पे देख सकते हो 21,749 है। यहाँ पे आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है, 700 की डिफरेंट है। तो मुझे लगता है 700 में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर और गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों इसे शो के भी और एक अच्छी डिवाइस इन्फिनिक्स का है, इन्फिनिक्स 035G, वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पे भी आपको कार्ब डिस्प्ले मिलता है, प्रोसेसर काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है Dimensity 8020 जिसके एंथोस का 7 लाख से भी ज़्यादा है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस GT 10 Pro जैसा ही मिलेगा इस मोबाइल पे, पर GT 10 Pro से बहुत सारे फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट है कार्ब डिस्प्ले मिल जाएगा, सेकंड है यहाँ पे कैमरा काफ़ी बेहतर दिया गया है। यहाँ पे आपको 108 MP का OIS कैमरा मिलेगा जहाँ पे आप 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, और इस मोबाइल की फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा सेंटिंग भी और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर मिलने वाला है, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। इसकी जो प्राइस वो आप देख सकते हो 22,000 है, और जो GT 10 Pro है उसकी प्राइस 21,000, तो 1,000 के डिफरेंस है सिर्फ। और दोस्तों इस लिस्ट की नेक्स्ट जो डिवाइस है वो रियलमी की तरफ से रियलमी 11 प्रो है। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतर एक डिवाइस है और सबसे कम प्राइस पे। तो आपको अगर कार्ब डिस्प्ले पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको मिलने वाला Dimensity 7200 प्रोसेसर जिसकी एंथोस स्कोर 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो गेमिंग के लिए तो परफेक्ट नहीं है पर एक प्रीमियम सा डिवाइस है। दोस्तों आप अगर लुक वाइज एक प्रीमियम सा डिवाइस लेना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो। इसकी जो प्राइस वो 20,000 है, यहाँ पे आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे देखिए जो GT 10 Pro से भी सस्ता मोबाइल वो भी कार्ब डिस्प्ले वाला, तो ऑप्शन काफी अच्छा है, इसके साथ भी जा सकते हो। और दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस है पर्सनली मेरी फेवरेट, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है पर गेमिंग के लिए एकदम बेस्ट है, पोको की पोको A5। यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 प्रोसेसर, तो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो एंथोस स्कोर है ना वो 1 मिलियन के आसपास है। हाँ दोस्तों 1 मिलियन, तो गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। कोई भी गेम आप यहाँ पे खेल सकते हो, कोई भी लैग के ऑप्शन नहीं देखेगा, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा, हाई ग्राफिक पे आप किसी भी गेम को इस मोबाइल पे खेल सकते हो। तो दोस्तों बात करें पोको A5 की प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस वो 23,000 है, डिस्काउंट लगाने के बाद GT 10 Pro से 2,000 रुपीज़ ज़्यादा, पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। तो ये डिवाइस प्रॉपर एक गेमिंग डिवाइस है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो।